रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गांव बूढ़ला में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ मतदाताओं से भी आह्वान किया कि हाथी घोड़ा भैंस पर अपना वोट खराब मत करना। बहुत सारे उम्मीदवार केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करना। सचिन पायलट ने कहा कि आज के समय में मुकाबला केवल कांग्रेस और भाजपा का है। भाजपा के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की बात न करके केवल धर्म की राजनीति करते हैं। किसानों के साथ भी भाजपा सरकार में क्या हुआ था ये पूरा देश देख चुका है। उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव के समय में भाजपा नेताओं का कई गांवों में विरोध हुआ था। सचिन पायलट ने कहा कि वो रेवाड़ी वोट मांगने इसलिए आए हैं क्योंकि चिरंजीव राव और उनके पिता लंबे समय से रेवाड़ी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर कानून उसे बनता है, हमारे किसानों को अगर मुआवजा अच्छा मिलता है, फसल की कीमत मिलती है, तो बीजेपी क्यों अपने हाथ पीछे खींचती है? भारतीय जनता पार्टी आज भी ले दे के उसी नारे पर आके टिकती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बाकी उनको बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, खाद, बीज, पानी, रोजगार, उद्योग, निवेश, इनसे कोई मतलब नहीं। उनके भाषण सुनो आप नेताओं के, 10 साल का समय कम नहीं होता। इन 10 सालों में क्या तो महंगाई के हाल कर दिए, क्या शिक्षित बेरोजगारों के हाल हैं, आप देखो पूरे प्रदेश के अंदर किसान अपने आप को सहमा हुआ महसूस करता है, धरना देने जाओ तो लाठी गोली चलती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। देश की राजधानी पे लगभग 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, तब जाके सैकड़ों जो किसान शहीद हो गए, उसके बाद जाके वो वापस लिए कानून। और ये तीनों कानून लाने के लिए कहा ही किसने था, और आप लेकर आए तो वापस क्यों लिए आपने? ये जिद, मनमानी, घमंड, अहंकार, इस प्रकार का काम करने की आदत बीजेपी को हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, आज चिरंजीव राव के लिए मैं वोट मांगने आया हूं, और पहली बार नहीं आए रेवाड़ी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में। कैप्टन साहब का समय हो, इस नौजवान का समय हो, हर वक्त स्वर्गीय पायलट साहब हो या हम लोग हों, हम इनके लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मानता हूं इनके परिवार ने लंबे समय तक सेवाएं दी। फौज में काम करने के बाद, जनता के बीच में आने के बाद एक अपनी जगह बनाई। और मैं पूछ रहा था बैठा बैठा चिरंजीव से, मैंने कहा भाई कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, इतनी पार्टियां हो गई, अधिकांश लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वोट खराब करने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कोई चुनाव जीतने से मतलब नहीं है, वो तो थोड़ा धन पैसा लगाकर 500 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट खराब करने का काम करें। तो मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। और आप लोग समझदार लोग हो, अपने क्षेत्र का, अपने हलके का अगर आप सही मायने में विकास चाहते हो तो छोटे मोटे दलों में, निर्दलीय में, हाथी घोड़ा भैंस बकरी पता नहीं कितने चुनाव लड़ रहे हैं, यह चुनाव है बीजेपी कांग्रेस का। इसमें आपको देखना है कौन व्यक्ति, कौन सी विचारधारा, कौन सा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहा, दुख सुख का भागीदार बनकर रहा, और अपना वोट खराब नहीं करना। वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो। जब राज बनेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चिरंजीव राव निभाएंगे हमारी सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर। आज भी राहुल गांधी जी ने उनको देश भर में जिम्मेदारी दे रखी है, हर जगह जाके अपना पार्टी का काम करते हैं। और पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग, नौजवान लोग आपकी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हरियाणा में जो हाल भाजपा का हो रहा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, उनसे सवाल पूछते थे कि आप किसानों के विरोधी हो, आप संविधान के विरोधी हो, आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो, हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों के मन में डर क्यों पैदा हुआ, क्यों बार बार भारत बंद करना पड़ता है, क्यों बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, कभी ऐसी बात उस समय उठी कि संविधान से संशोधन हो जाएगा या आरक्षण में फेरबदल कर देंगे? क्या कारण है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार, और कैसी सरकार है? दिल्ली की सरकार तो यहां लटक गई, बहुमत मिला नहीं, बैसाखियों पे चल रही है, और हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ वाली है, वो इंजन जो है डबल इंजन,
एक तो इंजन वादा हो लिया दिल्ली वाला, और चंडीगढ़ वाला इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम करने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों को सोच समझ कर अपना वोट डालना है। मैं विशेष रूप से आज रेवाड़ी हल्के में आया हूँ, अभी चुनाव में समय है, 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और बहुत से नेता आएंगे, अभी जितने दल उतने नेता, इतने भाषण, खूब जलसे होंगे, खूब मीटिंग होंगी, खूब नारेबाजी होगी, लेकिन एक एक वोट की कीमत है। और आपके गांव का, आसपास के पूरे इलाके का अगर वोट और आशीर्वाद चिरंजीव राव को मिलेगा, तो मैं आपको जिम्मेदारी से बोलता हूं, आपके सारे काम, विकास के, सरकार के, नौजवानों के, उन सब कामों को मिलकर करवाएंगे। ये अकेले नहीं है, उम्मीदवार एक होता है, लेकिन पूरा दल, पूरी पार्टी, पूरा नेतृत्व इनके साथ रहेगा। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि इस हलके का जो विकास अब तक नहीं हो पाया, उस सारे कामों को करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग भी आपस में 50 वोट इधर, 100 वोट उधर, 200 वोट उधर, वो फिर गांव का, फिर कोई या आसपास के इलाके का फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता। तो वोट बिखेरने के बजाय एक जगह वोट डालो, ये हाथ का निशान है, हमारी पार्टी की पहचान, इस पर बटन दबाकर इस नौजवान को आप विधानसभा भेजो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके हलके में, आप सब लोगों को, 36 कौम के लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करोगे और 5 तारीख को बटन दबाकर हाथ के निशान पर चिरंजीव को आप दोबारा विधायक बनाकर भेजो। इसके भविष्य की आगे सारी चिंता हम लोग करेंगे, ये काम आपका है विधानसभा में जिताकर भेजने का। अब आप लोग हाँ भरते हो तो सबके सब दोनों हाथ खड़े करो, पहले तो सारे पीछे खड़े छोरे सारे, और मेरे साथ नारा देना जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सा। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद।